टू नेक चल रही है, ये पीछे रह रही है और 390 आगे निकल गई। तीसरे पे तो भाई बहुत दिन से लोग कह रहे थे ना कि नहीं वो पुरानी वाली ड्यूक 390 से, पुरानी वाली ड्यूक 390 से जरा कंपेयर मारो, एक देखो बताओ जरा कौन सी आगे निकलती है, क्या गियर चैलेंज रहता है, क्या हिसाब किताब रहता है। मैंने कहा चलो आज लगे हाथ वही बता देता हूँ तुम्हें कि कौन सी आगे निकलती है कौन सी आगे नहीं निकलती है, और सिटी में जब चलाते हैं तो क्या फीडबैक आता है। बुलाया मैंने अपने सुमित भाई को। पहला नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं मेरे सभी भाइयों को। ओहे भाई साहब, थोड़ा वार्म अप कर लो लक्की जी, इन गाड़ियों के लिए थोड़ा सा वार्म अप करना पड़ता है, जैसे सेट वाला सीन रहता है ना जिम में, बिना वार्म अप के करो तो इंजरी हो जाती है, वही सीन इनके साथ भी है। चलो 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 चलो, फुल मतलब इतना है कि कंट्रोल में रहे गाड़ी, 80-100 बस इतना ही, 80-100 तक की स्पीड तो ऐसी है कि मैं किसी भी कंडीशन में मैनेज कर सकता हूँ, बस पैनिक कुछ सिचुएशन ना आ जाए, सडन कुछ ना हो जाए। तक तो मेरा भाई फीडबैक इस गाड़ी को देके बहुत ज़्यादा बढ़िया है, और एक यार इसका डिसएडवांटेज मुझे भी फील हुआ, वो मेरे को पहले स्टार्टिंग में फील नहीं हुआ था, पर अभी पिछले 2-3 दिन से हुआ। अगर आज भी इस दौरान, इस राइड के दौरान या इस वीडियो के दौरान अगर कुछ ये सीन होता है तो मैं कोशिश करूँगा इसको कैप्चर करने की। अरे जैसे गाड़ी चल रही है ना, मैंने क्लच दबा दिया, या क्लच नहीं भी दबाया तो भी ऑटोमेटिक एक बार बंद जरूर होती है। हर एक राइड पे मैंने देखा पिछले 3-4 दिनों से कि एक ना एक राइड पे ये बंद हो रही है, पर ऐसा होना नहीं चाहिए इसे। भाई ड्यूक 390 से कंपेयर मारते हैं इसको, गर्मी ने ऐसी तैसी कर दी। चलो तो ये रही भाई 2024 वाली, मतलब अपनी वाली, तुम्हारे भाई की, रेडी टू फ्लाई की, ये अपने भाई सुमित पॉडकास्ट की डार्क कैल्वेनो। चलो अब देखते हैं भाई, जनरेशन 2 थोड़ी सी आगे रहती है, जनरेशन 3। और सिटी में अगर मैं बात करूँ तो, क्योंकि दोनों का कॉम्पैक्ट रेशियो क्या कंपैरिजन में थोड़ा सा ऊपर नीचे ही है, उसका हैंडल थोड़ा सा कॉम्पैक्ट कर दिया गया, इसका इनिशियल थोड़ा सा डाउन करके इसके लो RPM कर दिए बढ़िया, अब उसका देखते हैं। क्यों विक्की भाई, चलो जी नॉर्मली भगाते हैं सीधा। चलो 1-2-3 उछल गई थी ये तो। आओ चलो थोड़ा सा भगाते भाई, एकदम हार्ड एंड फास्ट। सही है। अच्छा उनका वजन भी तो थोड़ा सा ज्यादा है। चलो कॉम्पैक्ट तो बहुत हो गई है। और नित्तू को देखो, नित्तू यहाँ खेल रहा है। नित्तू को तो 5.5 दूसरे पहले गेयर में मार दूंगा। आजा नित्तू, आजा आजा। फुल 390 बढ़िया चलती है। चलो भाई नेक टू नेक चल रही है, आगे निकल गए। सही है। वो बहुत मतलब इसका इनिशियल बहुत सही है। हाँ भाई चलो, हाँ दे भाई को पहले 1-2 चलो। ये पीछे रह रही है और 390 आगे निकल गई।
वो आगे निकल गए भाई वो। सही है सही है, धोखा दिया सुमित भाई तुमने। सही है एकदम, नेक टू नेक चल रही है और वो कोई वैसा नहीं भग रहे, थोड़ा सा मामला पानी बढ़िया ही चल रहा है। अब थोड़ा सा एक्सचेंज करते हैं जरा, उसका भी फीडबैक जाने और बाद में जरा अपने सुमित भाई का जानेंगे क्योंकि उनका जनरेशन थर्ड को लेके क्या फीडबैक है। चलो जी चलो जी, इसका इनिशियल ज़्यादा अच्छा है, इसका इनिशियल ज़्यादा अच्छा है। बाकी तुम बताना देख के। ओह तेरी बात तेरी। सही चल रही है, निकल गई आगे। अच्छा मेरा वजन थोड़ा सा कम है ना, थोड़ा सा क्या अच्छा खासा कम है उनके मुकाबले, तो पूरे 100 किलो के। दूसरे गियर पे रखना, दूसरे गियर पे ना। नीचे नीचे नीचे, हेलो तीसरे पे तो है। ओ भाई इसकी ब्रेक में मेरे को थोड़ी सी बाइट कम लगी। टनंग 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 टनंग, पेट्रोल पंप पे चल लेते पहले। चलो 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 ठीक है। नहीं पावर का तो अंदाजा है, मतलब मेरे को हो गया अब एकदम क्लियर आउट कि उसमें पावर जो बढ़ी है ना वो एक्चुअल में बढ़ी है, बस लो RPM कम होने की वजह से ना वो थोड़ी सी मतलब आगे के मान लो 1-2 सेकंड हल्की सी पीछे रह गई थी, वरना तो फिर वो बूम उठा देती है। तुम्हारी भाई ब्रेक बहुत कम लग रही है आगे वाली। हाँ, और उसकी मुझे बहुत ज़्यादा तेज लग रही है। उसकी तेज लग रही होगी, वो तो नहीं है, खैर छोड़ो। ये शायद चलाने के से हो सकता है, तुमने ये चलाई ना, बटन दबा देना बीच वैसे एक बार दबा दो। क्या चीज नहीं, प्रीत की गाड़ी पे भी मतलब अच्छी बाइट आती है। तुमने बाहर से डिस्पैच डलवाए थे क्या? सेरेमिक वाले डलवाए मैंने इस बार। मेरे को बहुत कम लगी बाइट, या फिर हो सकता है तुम्हें कैसे लगा ब्रेक उसका? भाई इसके तो बहुत तेज लगे मुझे। ये इसका इनिशियल कमजोर है ना, इनिशियल। हाँ अच्छा, क्या फीडबैक रहा भाई? मेरे हिसाब से देखो, उस दिन भी चलाई थी मैंने, इनिशियल में थोड़ी सी इससे कम है। हाँ 2-4 सेकंड तो रहेगी। ब्रेक बड़ी कमाल की है, ब्रेक और हैंडलिंग बहुत अच्छी है। इससे अच्छी है वो तो छोटा कर दिया ना थोड़ा सा कॉम्पैक्ट। चलो एक मिनट। हाँ तो ठीक था, एक फ्रेंडली रेस थी छोटी मोटी। अब बाकी मैं गियर चैलेंज भी करके दिखा दूंगा इस वीडियो में, या चलो उस वो चीज़ के लिए मैं आपको एक अलग वीडियो दे दूंगा, भी आपको सही लगेगा। चलो बाकी राइड रिव्यू आपको फटाफट मिलेगा चैनल पर जल्दी, और बाकी करते भाई वीडियो एंड। और कैसी लगी? नित्तू तेल ले रहा है और विक्की भाई भी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।